This video is not made for kids. हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू मनु का ज्ञान। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हरिहर काका। हरिहर काका जो कहानी है वो मिथिलेश्वर जी द्वारा लिखी गई है। इस कहानी के अंदर एक ऐसे आदमी की बात हुई है जो कि ग्रामीण प्रवेश में है, मतलब कि गांव का है। वो आदमी काफ़ी ज़्यादा बुढ़ा है। अपनी पूरी जिंदगी, संपूर्ण जीवन उसने सादगी में व्यतीत किया है, बहुत ही सिंपल लाइफ जी है। अब वो जिंदगी के अंतिम पड़ाव पर है और काफ़ी ज़्यादा बेबस और लाचार है, क्योंकि जितने भी उसके सगी संबंधी थे वो सब स्वार्थी होकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हुए हैं। लेखक का हरिहर काका से परिचय बचपन का है। हरिहर काका उसके पड़ोस में रहते थे। उन्होंने उसे अपने बच्चे की तरह प्यार और दुलार दिया है। वे उससे अपनी कोई भी बात नहीं छिपाते थे, तो लेखक को सारी बात बताया करते थे हरिहर काका। लेकिन पिछले कुछ दिनों की घटी घटनाओं के कारण हरिहर काका ने चुप्पी साध ली है। वो बिल्कुल शांत बैठे रहते हैं। लेखक के अनुसार उनके पिछले जीवन को जानना अत्यंत आवश्यक है। लेखक का गांव कस्बाए शहर आरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर है, हसन बाजार बस स्टैंड के पास। गांव की कुल आबादी 2500-3000 ही है, मतलब बहुत ही कम लोग रहते हैं इनके गांव में। गांव में तीन स्थान प्रमुख हैं, एक तालाब, दूसरा पुराना बरगद का वृक्ष और तीसरा ठाकुर जी का विशाल मंदिर, जिसे लोग ठाकुर बारी भी कहते हैं। ये मंदिर गांव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठाकुर बारी की स्थापना कब हुई थी इसके बारे में किसी को ज़्यादा विशेष ज्ञान नहीं है। इस संबंध में प्रचलित है कि जब गांव बसा था तो उस समय एक संत इस स्थान पर झोपड़ी बनाकर रहते थे। उस संत ने इस स्थान पर ठाकुर जी की पूजा आरंभ कर दी। लोगों ने धर्म और सेवा भावना से चंदा इकट्ठा करा और चंदा इकट्ठा करके ठाकुर जी का मंदिर बनवा दिया। उनका मानना था कि यहाँ मांगी गई हर मन्नत पूरी ज़रूर होती है। ठाकुर बारी के पास काफ़ी ज़मीन है। पहले हरिहर काका नियमित रूप से ठाकुर बारी जाते थे, परंतु अब परिस्थितिवश, मतलब कुछ मुश्किलों की वजह से उन्होंने यहाँ पर भी आना बंद कर दिया है। हरिहर काका के चार भाई हैं, सभी विवाहित हैं, उनके बच्चे भी बड़े हैं। हरिहर काका ने दो शादियां की थी, परंतु उन्हें बच्चे नहीं हुए। उनकी दोनों पत्नियों की भी जल्दी ही मृत्यु हो गई, स्वर्ग सिधार गई। हरिहर काका ने तीसरी शादी बढ़ती उम्र और धार्मिक संस्कारों के कारण नहीं की। वे अपने भाइयों के साथ ही रहने लगे। वे अपने भाइयों के परिवार के साथ ही रहते थे। हरिहर काका के पास कुल 60 बीघा जमीन थी, मतलब कुल टोटल 60 बीघा जमीन थी, तो उसमें से हर भाई के हिस्से में 15 बीघा जमीन आई थी। परिवार के लोग खेती बाड़ी पर ही निर्भर थे, मतलब लोग खाना पीना या फिर जो भी अपना एक्सपेंस वगैरह था, एक तरीके से उनकी जॉब खेती बाड़ी ही थी। भाइयों ने अपनी पत्नियों को हरिहर काका की अच्छे प्रकार से सेवा करने के लिए कहा। कुछ समय तक तो उनकी पत्नियां इस चीज़ को नहीं भूली और बहुत अच्छे से भली भांति हरिहर काका की सेवा भी होती रही, लेकिन कुछ समय बाद वो उनकी सेवा ना कर सकी। एक समय ऐसा आया जब घर में कोई उन्हें पानी देने वाला भी नहीं था। बचा हुआ भोजन उनकी थाली में परोसा जाने लगा। उस दिन उनकी सहन शक्ति समाप्त हो गई जब हरिहर काका के भतीजे का मित्र शहर से गांव आया। उसके लिए तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए गए। काका ने सोचा कि उन्हें भी ये स्वादिष्ट व्यंजन खाने को मिलेंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। उनको वही रूखा सूखा भोजन परोसा गया। हरिहर काका आग बबूला हो गए, बहुत गुस्सा आने लगी उन्हें। उन्होंने थाली उठाकर आंगन में फेंक दी और भवुओं को खरी कोठी सुनाई। बोला, ये क्या है, ये मुझे दोगी तुम खाने के लिए? सबको इतना अच्छा अच्छा खाना और मुझे इतना खराब खाना? ठाकुर बारी के जो पुजारी थे वो उस समय मंदिर के कार्य के लिए वहीं पर उपस्थित थे। उन्होंने मंदिर पहुंचकर इस घटना की सूचना महंत जी को दी। अब ये महंत जी कौन होते हैं? जो मंदिर के हेड पुजारी होते हैं उन्हें हम लोग महंत जी बोलते हैं। तो यहाँ पर कुछ पंडित लोग या फिर जो हम लोग बोलते हैं पुजारी लोग वहाँ पर प्रेजेंट थे,
उसी घर में उसी जगह पर जब ये पूरा कार्य हुआ, हरिहर काका को जब गुस्सा आया। महंत ने इसे शुभ संकेत समझा और सारे लोगों को हरिहर काका के घर की तरफ लेकर निकल पड़े। महंत जी ने काका को समझाया कि ठाकुर बारी आओ। उन्होंने संसार की निंदा करना शुरू कर दी, ये जो पूरी दुनिया है ये बहुत गंदी है, लोग बड़े स्वार्थी हैं, और कहने लगे कि ईश्वर की तरफ ही तुम ध्यान दो, और ईश्वर की महिमा के ही वो गुणगान करने लगे महंत जी। महंत जी ने हरिहर काका को समझाया कि अपनी ज़मीन मंदिर के नाम लिख दो, जिससे तुम बैकुंठ जाओगे, मतलब स्वर्ग में जाओगे, और तुम्हें हमेशा याद करा जाएगा। सारे गांव वाले बोलेंगे कि हरिहर काका ने मंदिर को ज़मीन दान कर दी। हरिहर काका उनकी बात ध्यान से सुनते रहे। वे दुविधा में पड़ गए, अब उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। महंत जी ने ठाकुर बारी मतलब जो मंदिर की ज़मीन थी वहीं पर हरिहर काका के रहने और खाने पीने का इंतज़ाम भी कर दिया। जैसे ही इस घटना की सूचना उनके भाइयों को मिली, वैसे ही वो भागे भागे ठाकुर बारी मंदिर की ज़मीन पर पहुंच गए और वहां पर जाकर हरिहर काका से रिक्वेस्ट करने लगे कि प्लीज़ वापस चलो काका। लेकिन हरिहर काका घर वापस नहीं आए। वो अगले दिन फिर दोबारा ठाकुर बारी पहुंचे, काका के पांव पकड़ के रोने लगे ज़ोर ज़ोर से कि काका चलो चलो। इस वजह से जो काका का दिल था वो पसीज गया और वो उनके साथ चल पड़े। हरिहर काका का दिल पसीज गया, वे घर वापस आ गए। अब काका की बहुत सेवा होने लगी, उन्हें जिस किसी वस्तु की इच्छा होती तो वो तुरंत आवाज़ लगाते और वो वस्तु उन्हें तुरंत मिल जाती। गांव में काका की चर्चा होने लगी, घर के सदस्य ज़मीन को अपने नाम लिखवाने का प्रयत्न कर रहे थे कि कैसे भी करके हरिहर काका हमारे नाम कर दे ज़मीन। लेकिन हरिहर काका के समक्ष अनेक ऐसे उदाहरण थे जिसमें जीते जी लोगों ने अपनी ज़मीन रिश्तेदारों के नाम लिख दी और फिर उन रिश्तेदारों ने बहुत बुरी तरीके से उनके साथ व्यवहार करा। फिर बाद में वो लोग जिन्होंने ज़मीन लिखी थी अपने रिश्तेदारों के नाम, वो बहुत पछताते रहे। महंत भी मौका देखते रहे, बार बार हरिहर काका के पास आते, उन्हें समझाते रहते। कुछ समय बाद महंत जी की चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। वो इस कार्य का उपाय सोचने लगे कि कैसे ना कैसे करके हरिहर काका से उनकी ज़मीन अपने नाम लिखवाई जाए। एक दिन उन्होंने योजना बनाई, प्लान बनाया। महंत ने अपने आदमियों को बोला कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, भाला गंडासे और जो बंदूक होती है वो लेकर काका का अपहरण करवा दिया, किडनैप करवा दिया काका को। हरिहर काका के भाई एवं गांव के लोग जब इस बात को सुनते हैं तब वो तुरंत ठाकुर बारी पहुँच जाते हैं। उन्होंने मंदिर का दरवाज़ा खुलवाने की बहुत कोशिश करी लेकिन असफल रहे। तब उन्होंने पुलिस को बुलाया। मंदिर के अंदर महंत एवं उसके आदमियों ने काका को जबरदस्ती पकड़ रखा था और उनसे कुछ सादे कागजों के ऊपर अंगूठा लगवा रहे थे, साइन वगैरह करवाने की कोशिश कर रहे थे। काका महंत के इस रूप को देखकर हैरान हो गए। पुलिस ने बहुत मुश्किल से मंदिर का दरवाज़ा खुलवाया परंतु उन्हें अंदर कोई हलचल नहीं दिखाई दी। तभी एक कमरे से धक्का मारने की आवाज़ आई। पुलिस ने ताला तोड़ा तो अंदर हरिहर काका को रस्सियों से बांधा हुआ रखा हुआ था। उन्होंने वो रस्सियां हटाई और मुंह से उनके कपड़ा भी निकाला। उसके बाद बंधन मुक्त करवाने के बाद पुलिस वालों ने हरिहर काका को उनके भाइयों के साथ घर जाने के लिए भेज दिया। अब उनका बहुत ध्यान रखा जाने लगा। दो तीन लोग रात में उन्हें घेर कर सोया करते थे। घेर कर सोने का मतलब यह है उनके पास में सोया करते थे। जब वो बाहर जाते थे गांव में कहीं पर भी, तब हथियारों के साथ दो तीन लोग उनके साथ चला करते थे एज अ सिक्योरिटी कि कहीं उनके ऊपर हमला ना हो जाए। उन पर फिर दोबारा से दबाव डाले जाने लगा कि हमारे भाइयों के नाम ज़मीन कर दो, हम भाइयों के नाम ज़मीन कर दो हरिहर काका। जब एक दिन उनकी सहन शक्ति ख़त्म हो गई, हरिहर काका के भाइयों की सहन शक्ति जब ख़त्म हो गई, तब उन्होंने भयानक रूप धारण कर लिया। उन्होंने काका को धमकाते हुए कहा कि सीधे तरीके से तुम हमारे नाम ज़मीन कर दो, नहीं तो मार कर यहीं घर में गाड़ देंगे और गांव वालों को पता भी नहीं चलेगा। हरिहर काका ने जब साफ इनकार कर दिया कि मैं तुम्हारे नाम ज़मीन जीते जीते नहीं करूँगा,
तो उनके भाइयों ने उन्हें मारना शुरू कर दिया। हरिहर काका अपनी रक्षा के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगे, कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। भाइयों ने उनके मुंह में कपड़ा ठूस दिया जिससे उनकी आवाज़ बाहर ना आए। उनकी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर गांव वाले इकट्ठा होने लगे। महन तक भी ये खबर पहुंच गई। वो पुलिस के साथ वहां पर पहुंच गया। पुलिस ने काका को बंधन मुक्त करवाया, जैसे काका को बांधा हुआ था उनके भाई मार रहे थे बांध के, उससे बचाया। और काका ने बताया कि मेरे भाइयों ने जबरदस्ती मुझसे कुछ कागजों पर अंगूठे के निशान लगवाए हैं। उनकी दशा देखकर मालूम हो रहा था कि हरिहर काका की पिटाई हुई है। अब हरिहर काका ने पुलिस से सुरक्षा मांगी कि मुझे प्लीज हेल्प प्रोवाइड करी जाए, मुझे सुरक्षित रखा जाए। अब वे घर से अलग रहने लगे। उन्होंने अपनी सेवा के लिए एक नौकर रख लिया। दो चार पुलिसकर्मी उनको सुरक्षा देने लगे और वो उन्हीं के पैसे पर मौज कर रहे थे। मतलब जो पुलिसकर्मी कुछ थे ना, वो हरिहर काका के जो कुछ पैसे हुआ करते थे उसी से खाया पिया भी करते थे और बोलते थे कि हम तुम्हें सुरक्षा भी तो दे रहे हैं इसके बदले में। एक नेताजी ने उनके सामने प्रस्ताव रखा कि हरिहर काका अपनी जमीन पर उच्च विद्यालय खोल लो। और काका ने इस बात को सुनकर इनकार कर दिया, बोला नहीं नहीं, मैं कोई विद्यालय वगैरह नहीं खोलूंगा इस जमीन पर। गांव में अफवाहें फैलने लगी। लोग सोचते थे कि काका की मृत्यु के बाद महंत साधुओं एवं संतों के साथ इनकी जमीन पर कब्जा कर लेगा। अब काका गूंगेपन का शिकार हो गए थे। वो अपने दिल की किसी से कुछ ना कह सकते थे। वे रिक्त आंखों से आकाश की ओर ताकते रहते थे, आसमान को देखते रहते थे। यहीं पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो अपना बेस्ट पार्ट। इसी के साथ साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग फ्यूचर में इसी तरीके से और भी वीडियोस बनाते रहें, तो आप हमारे चैनल के मेंबर बनके हमें सपोर्ट कर सकते हो। अब मेंबर कैसे बनना है, सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल के मेंबर बन जाए। तो आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली कि हम आगे फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मनुष्य ज्ञान लेते रहो। बाय बाय टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।